ठीक है जोत साहब, तो आज हम लोग बात करेंगे क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस के बारे में। सबसे पहली बात कि कोलेसिस्टाइटिस का मतलब क्या समझते हैं? गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन, ठीक है ना। तो अगर क्रोनिक गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन हुआ तो उसको क्या कह देंगे? क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस। तो बेसिकली क्या है, इट इज़ द इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द गॉल ब्लैडर। इन्फ्लेमेशन है और स्वेलिंग है किसकी? गॉल ब्लैडर की। ऑब्वियसली मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ गॉल ब्लैडर, ये मोस्ट कॉमन डिजीज है गॉल ब्लैडर की, एसोसिएटेड विद गॉल स्टोन। ये एसोसिएटेड होता है गॉल स्टोन से, राइट। अब क्यों एसोसिएटेड होगा ये मैं बताता हूँ अभी। मे ऑल्सो डेवलप फॉलोइंग रिकरेंट अटैक्स ऑफ एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। ये मतलब इसमें मान ले कि एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस के रिकरेंट अटैक्स हुए तो उससे क्या हो गया, ये क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस ये डेवलप कर गया, प्रेसिपिटेट कर गया, राइट। इटियोलॉजी इसकी क्या क्या होगी? इटियोलॉजी में बेसिकली गॉल स्टोन होगा, ऑब्वियसली गॉल स्टोन होगा तो वो जाके प्रेसिपिटेट करे जिसके टच में गया, ठीक है ना, वो ब्लॉक कर दिया, फिर ब्राइल एसिड जो है प्रेसिपिटेट कर गया और वहाँ पर प्रेसिपिटेट किया तो उसके कारण से इन्फ्लेमेशन हुआ। फिर मतलब कि वहाँ पे जब स्टेसिस हुआ तो वहाँ पे बैक्टीरिया आ गया स्टेसिस के, उसके बाद बैक्टीरिया ने वही क्या करा दिया, कोलेसिस्टाइटिस करा दिया। तो इटियोलॉजी बेसिकली क्या हो सकती है? गॉल स्टोन, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई हो सकता है, बाइल स्टेसिस के कारण वायरल इन्फेक्शन हो गया, एक्सटर्नल इंजरी या ट्रॉमा के कारण हो सकता है, या एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एक्सेसिव अब्यूज ऑफ अल्कोहल, ठीक है, तुमने बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हो तो उसके कारण से ये उस प्रेसिपिटेट कर सकता है, या एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल, अगर मेटाबॉलिज्म कोलेस्ट्रॉल के एबनॉर्मल है तो उसके कारण से भी क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो स्टोन इन गॉल ब्लैडर से क्या होता है, तो समझने की हम कोशिश करेंगे कि स्टोन क्या करवाता है गॉल ब्लैडर में। तो बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन कराएगा सिस्टिक डक्ट का, तो ऑब्स्ट्रक्शन किसका होगा? बाइल फ्लो का होगा, ठीक है। बाइल फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो डिस्टेंशन होगा गॉल ब्लैडर का, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, वहाँ पे डिस्टेंशन हुआ गॉल ब्लैडर का और कॉन्सेंट्रेशन हुआ किसका? बाइल का। तो कॉन्सेंट्रेशन बाइल का हुआ तो एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस करा देगा। अभी एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस से क्या हो सकता है, तीन चार चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। पहले अभी स्टोन इन गॉल ब्लैडर की यहाँ से भी बात कर लेते हैं। तो क्या करता है स्टोन रहेगा गॉल ब्लैडर के अंदर, तो क्या करेगा स्टोन? हिलता, मतलब कि अगर तुम चलोगे, आदमी चलेगा तो स्टोन क्या है, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होगा। अब वही अगर डिस्प्लेसमेंट में अगर मान लो न्यूक्लियर स्टोन है तो वो इरोजन करा सकता है, प्रोग्रेसिव म्यूकोसल इरोजन कराएगा किसका? गॉल ब्लैडर का। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स बाय टॉक्सिक बाइल सॉल्ट्स, तो जो टॉक्सिक हमारे बाइल सॉल्ट्स हैं वो डिस्ट्रक्शन करा देंगे उधर की सेल्स का। तो वहाँ पे क्या होगा, जब डिस्ट्रक्शन हो जाएगा सेल्स का तो बैक्टीरियल की प्रोलिफरेशन वहाँ पे, क्योंकि फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा तो बैक्टीरियल की प्रोलिफरेशन हो जाएगी, जैसे कि ई कोलाई और स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है ना। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स बाय टॉक्सिक बाइल सॉल्ट्स और उसके कारण से बैक्टीरियल का इन्फेक्शन हुआ जैसे कि ई कोलाई और स्ट्रेप्टोकोकस, तो ये क्या प्रेसिपिटेट किया? ऑब्वियसली एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस में प्रेसिपिटेट कर गया। और एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस में प्रेसिपिटेट किया तो क्या क्या कर सकता है? कोलेसिस्टाइटिस है, इन्फेक्शन हो गया तो एम्फाइमा बन सकता है गॉल ब्लैडर का, या क्या कर सकता है गैंग्रीनस कोलेसिस्टाइटिस, वहाँ पे इम्पेयर कर दिया ब्लड सप्लाई को तो गैंग्रीनस हो गया वो, चाहे तो लोकल एब्सेस, केवल लोकल एब्सेस कर सकता है, ठीक है ना। एम्फाइमा, लोकल एब्सेस एंड गैंग्रीनस कोलेसिस्टाइटिस, राइट। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस की, तो ये हमें समझना पड़ेगा। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ बाइल, ठीक है। कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, एक्सटर्नल इंजरी, ट्रॉमा, गॉल स्टोन, ठीक है, गॉल स्टोन मोस्ट कॉमन होता है कोलेसिस्टाइटिस के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल फ्लो हुआ तो इंक्रीजिंग प्रेशर इन द गॉल ब्लैडर जिसके कारण से इन्फ्लेमेशन हो गया, ठीक है, यही बेसिक पैथोफिजियोलॉजी है। साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे? रिकरेंट अटैक ऑफ पेन, तो कहाँ का पेन होगा? राइट अपर क्वाड्रेंट का पेन होगा, ठीक है। ऑब्वियसली रिकरेंट अटैक ऑफ पेन, पेन में रेडिएट टू द बैक और टू द राइट शोल्डर, ठीक है ना। तो इसका जो पेन होता है, ये पेन जो होता है बैक में भी रेडिएट कर सकता है, कैन रेडिएट टू द बैक और टू द राइट शोल्डर, ये बैक में भी रेडिएट कर सकता है या राइट शोल्डर में रेडिएट कर सकता है। इसका ट्रायड होता है पेन, फीवर और ल्यूकोसिस्टाइटिस होता है बेसिकली। होना तो चाहिए जॉन्डिस, क्योंकि होना चाहिए यहाँ पे जॉन्डिस, ठीक है ना। तो पेन, फीवर, जॉन्डिस इसका एक ट्रायड होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं तुम्हारा, इसको क्या कहते हैं यार, पेन, फीवर, जॉन्डिस को चारकोट ट्रायड कहते हैं ना, चारकोट ट्रायड, ठीक है ना, ये याद रखना यार, इसका ट्रायड होता है, ठीक है। तो एक पेन, फीवर, जॉन्डिस हो सकता है इस बंदे को, ठीक। तो ल्यूकोसाइटोसिस हो गया या नोजिया हो गया, इंजेशन हो गया और इंडाइजेशन हो गया नोजिया के साथ, एब्डोमिनल फुलनेस हो गया, क्ले कलर्ड स्टूल हो गया, क्ले कलर्ड स्टूल क्यों हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है ऑब्वियसली, तो क्योंकि बाइल का फ्लो आगे नहीं बढ़ पाएगा, इंटेस्टाइन में बाइल गया ही नहीं, तो क्ले कलर्ड स्टूल हो गया, फ्लैटुलेंस हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो सकती है, नोजिया, इंडाइजेशन, एब्डोमिनल फुलनेस, ठीक है, क्ले कलर्ड स्टूल, फ्लैटुलेंस या जॉन्डिस। तो इसके बाद आगे बात करते हैं इसके मर्फी साइन के बारे में। मर्फी साइन क्या है? पेन ऑन डीप इंस्पिरेशन व्हेन द इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर इज पल्पेटेड बाय प्रेसिंग द फिंगर्स अंडर द रिब केज।
अभी तुमने डीप इंस्पिरेशन पे क्या हुआ, पेन हुआ, तुमने जब पालपेट किया गॉलब्लैडर को अंडर द रिब केज, डीप पालपेशन किया और प्रेसिंग अंडर द रिब केज, तो वहाँ पे क्या हुआ, मर्फी साइन आएगा, पेन होगा वहाँ पे। व्हेन नाइन कॉस्टल कार्टिलेज इज प्रेस देयर इज अ कैच इन इंस्पिरेशन, अगर तुम्हारा तुम वहाँ पे नाइन कॉस्टल कार्टिलेज को तुमने प्रेस किया तो वहाँ पे कैच इन इंस्पिरेशन होगा, दैट इज नोन एज मर्फी साइन, राइट। बॉस साइन क्या है, हाइपरस्थीसिया इज द इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, राइट स्कैपुला, ठीक है। अभी तुम इंटीरियर एंगल ऑफ राइट स्कैपुला पे गए तो वहाँ पे क्या होगा, हाइपरस्थीसिया होगा, याद रखना इस चीज़ को। इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं कोलेसिस्टाइटिस का, ठीक है ना, तो एक बस नाम याद रखना कि टोक्यो गाइडलाइन से हम लोग डायग्नोसिस बना सकते हैं, असेसमेंट ऑफ डायग्नोसिस और बस सीवीआईटी डिसाइड करते हैं, इसका नाम बस याद रखना, नाम नाम। अब इसका कैसे करोगे, हिस्ट्री लोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, ऑब्वियसली कोलेसिस्टोग्राफी करोगे, ठीक है, विजुलाइजेशन ऑफ गॉल बैटर टू डिटेक्ट गॉलस्टोन। कोलेसिस्टोग्राफी में तुम्हें गॉलस्टोन का विजुलाइजेशन करना है, गॉल बैटर का विजुलाइजेशन करोगे, गॉलस्टोन का विजुलाइजेशन करोगे। अल्ट्रासोनोग्राफी से तुम इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है, यहाँ पे हमेशा तुम कभी भी आए गॉलस्टोन का केस लेके तो तुम अगर ओपीडी में बैठोगे तो सारे रेजिडेंट्स जनरली अल्ट्रासोनोग्राफी ही लिखते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड लेकिन इसका होता है हीडा स्कैन, लेकिन हीडा स्कैन महंगा होता है इसलिए हम लोग जनरली यूएसजी को प्रेफर करते हैं, राइट, हीडा स्कैन। और फिर सीटी स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया, सीरम बिलीरुबिन करवा सकते हो, एलएफटी आरएफटी करवा सकते हो, लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, ये सब करवा सकते हो, ठीक है। अब यूएसजी में क्या दिखेगा, अभी देखो इकोजेनिक ये स्टोन दिखेगा और उसी का एकॉस्टिक शेडो आएगा, क्योंकि मान ले कि स्टोन, देखो यूएसजी में क्या होता है, ऊपर से तुम प्रोब लगाते हो, ठीक है ना, प्रोब लगाया तो स्टोन का मतलब इकोजेनिक वो आएगा शेडो, इकोजेनिक होगा, फिर मतलब कि वाइट एकदम सफ़ेद हो जाएगा, उसके नीचे सारा काला हो जाएगा, एकॉस्टिक शेडो उसी कह देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अगर तुम मान लो कि कभी तुम्हारे पास कोलेसिस्टाइटिस का केस आया और तुम्हारे पास वो गॉल स्टोन वाला एटियोलॉजी रहा, तो तुम उसकी अगर यूएसजी रिपोर्ट देखोगे तो तुम्हें ये कैरेक्टरिस्टिक एकॉस्टिक शेडो मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है, म्यूकोसील लिम्फाइमा, ये सब कॉम्प्लिकेशंस इसकी हो सकती है, म्यूकोसील लिम्फाइमा ये बाद में प्रेसिपिटेट कर जा सकता है। मैनेजमेंट क्या है, यूजुअली पेशेंट प्रेजेंट आफ्टर 72 आवर्स ऑफ अटैक इन क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस, पेशेंट कब प्रेजेंट करेगा, यूजुअली 72 घंटे बाद ऑफ अटैक ऑफ क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस के 72 घंटे के बाद ये अटैक में अटैक के बाद ये प्रेजेंट करेगा। पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट आफ्टर 72 आवर्स ऑफ अटैक इन क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस, क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस के 72 घंटे बाद ये प्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फॉलो बाय इंटरवल कैप लैब कोलेसिस्टमी, ठीक है ना। तो कंजर्वेटिव पहले तो मैनेजमेंट करोगे, फिर उसके बाद लैब कोलेसिस्टमी इंटरवल पे कर सकते हो 4-6 वीक आफ्टर, ठीक है ना। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, वही एंटीबायोटिक एनाल, जैसे कि अगर मान लो बैक्टीरिया इन्फेक्शन कार हुआ तो एंटीबायोटिक दे सकते हो, पेन ज़्यादा हो रहा है एनाल्जेसिक दे दो, वायरल इन्फेक्शन कार हो एंटीवायरल दे दो। पेशेंट नीड टू बी हॉस्पिटलाइज, तो पेशेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, राइट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या कर सकते हो, कोलेसिस्टेक्टमी कर दो, सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल बैडर कर सकते हो, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर इट इज डन टू रिमूव स्टोन फ्रॉम गॉल बैडर टू रिस्टोर गॉइड को, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर अपना सकते हो ताकि तुम जाके रिमूव कर सको स्टोन को और गो फ्लो ऑफ बल्कि गॉल बैडर की फ्लो जो रिस्टोर कर सके वाइड फ्लो को, ठीक है ना। तो ये काम तुम कर सकते हो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर से। तो ये बात रही कुछ तुम्हारी क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस के बारे में, उम्मीद है तुम्हें समझ में आओगे, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।